तो एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, देखो सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होती है, बैटरी। बैटरी जब एक एक्सटर्नल रजिस्टर में करंट देगी तो कितनी एफिशिएंट है, ये हम एफिशिएंसी सोर्स या ईएमएफ की निकालने वाले हैं। मतलब जब आप एक बैटरी लेते हैं ई, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, एक्सटर्नल कैपिटल आर, तो करंट की वैल्यू ई अपॉन आर प्लस आर, ई की वैल्यू पता ही है क्या होगी, तो आउटपुट में कैपिटल आर में ई मिल नहीं पाता, आउटपुट में तो वी मिल पाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला आई इंटू आर है, तो ई तो मिला नहीं, वी मिला। तो ऐसी जो बैटरी पावर देना चाहती है वो दे नहीं पाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप कर देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पावर का ड्रॉप डेवलप कर देगा, तो आउटपुट पावर वो दे नहीं पाएगी बैटरी जो देना चाहती है। तो बैटरी से पूछो तो क्या देना चाहती है, तेरे पास कितना दम है पावर देने का, तो बैटरी कहेगी मेरी जो इनपुट पावर है वो पता है कितनी है, ई इंटू आई, मेरी मैक्सिमम ईएमएफ को आई से मल्टीप्लाई कर लेना, इतनी पावर मैं दे सकती हूँ। तो बैटरी को फिर दे दे, वो कभी दे नहीं सकती, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कितनी देगी, वी इंटू आई, क्योंकि वी का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से पावर मिलेगी। तो आउटपुट क्या मिल रही है, वी आई, इनपुट क्या थी, ई आई, तो इनपुट मीन मैक्सिमम पावर क्या जनरेट हो सकती थी, ई आई, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर ऑफ अ बैटरी को ही बैटरी की एफिशिएंसी बोलते हैं। तो वी का मतलब क्या है, आई आर, और ई का मतलब क्या, आई इंटू आर प्लस आर। तो ये आपके पास क्या आ गई, बैटरी की एफिशिएंसी आ गई आर अपॉन आर प्लस आर। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, मैंने आता देखा नहीं है, पर मैंने को बता दिया कि अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो बैटरी की एफिशिएंसी इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक,